यूपी में इस बार कुल 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। सूबे में पूरी तरह से सियासी विसाद बिछ गई है। सारी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति को अमलीजामा पहनाने में जुटी है और चुनाव के लिए लगातार प्रचार प्रसार कर रही है। इस बार के उपचुनाव की जो सबसे खास बात है वो ये है कि जो बसपा उपचुनाव में अपनी खास रुचि नहीं दिखाती है उसने भी यूपी की सभी 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। लेकिन जहां सपा और भाजपा दोनों जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं तो वहीं बहुजन समाज पार्टी में सन्नाटा छाया हुआ है। चुनाव प्रचार में बीएसपी का कोई दिग्गज नेता अभी तक नहीं देखा गया है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। उसे स्टार प्रचारक की लिस्ट में 3 दर्जन से ज्यादा नेताओं के नाम भी शामिल हैं। इस स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बीएसपी सुप्रीमो मायावती, राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, नेशनल कोऑर्डिनेटर मुनकाद अली सहित कई लोगों के नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि उपचुनाव में अब केवल 1 हफ्ते का समय बचा हुआ है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का कोई भी स्टार प्रचारक जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा। बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी हरियाणा चुनाव के बाद से ही पार्टी के प्रचार से दूरी बना रखी है। उपचुनाव में मायावती और आकाश आनंद के प्रचार से दूरी बनाने के सवाल पर बीजेपी के सहयोगी और यूपी में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने तंज कसते हुए कहा, बहुजन समाज पार्टी के कुछ नेता जमीन पर दिखाई दे रहे हैं लेकिन वो जानते हैं कि बीजेपी जीतने वाली है, इस वजह से जमीन पर ज्यादा नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है ये भी एक कारण रहा हो। 2022 यूपी विधानसभा हो या फिर 2024 लोकसभा चुनाव, बसपा का प्रदर्शन पहले से काफी खराब रहा। जहां उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में 1 सीटों पर सिमट गई तो वहीं लोकसभा में उनकी सीटों की संख्या 0 हो गई। और इस दौरान हुए अन्य राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी बसपा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। इस सब को देखते हुए बसपा के लिए यूपी उपचुनाव बेहद ही अहम हो जाता है, क्योंकि अगर बसपा इन उपचुनाव में बढ़िया प्रदर्शन करती है तो ये उनके लिए संजीवनी का काम करेगी, और अगर उनका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा तो उनका जनाधार खत्म होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये तो अब चुनाव परिणाम ही बताएंगे कि बसपा का प्रदर्शन कैसा रहता है।